इफ 2a इज दिस देन व्हाट इज a इनवर्स इक्वल टू, 2a दे रखा और हमसे a इनवर्स पूछा, तो इनमें से कोई एक होगा, तो अगर हम इसमें a लिख दें तो 2 by इस तरह से आ जाएगा, देखो a लिख दें तो ये क्या जाएगा 2 by 2, 1 by 2, 3 by 2 और 2 by 2, ठीक है मैट्रिक्स। अब डिटर्मिनेंट a क्या लिखा जाएगा भाई, ये 1 into 1 कितना हो गया 1, माइनस 1 by 2 into 3 by 2 कितना हो गया 3 by 4, तो कितना आ गया 1 by 4 आ गया। अब 1 by 4 डिटर्मिनेंट आ गया, a इनवर्स लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका एडजॉइंट लिखना पड़ेगा, एडजॉइंट तो मैं ऐसे लिख देते हैं 2 by 2 मैट्रिक्स है, इन दोनों को चेंज कर दो और इन दोनों के क्या करने होते हैं साइन चेंज करने होते हैं, -1 -3, ये एडजॉइंट आ गया। a इनवर्स क्या होता है भाई, 1 upon determinant a into adjoint a, अब देखो 1 upon determinant a क्या है 4, ये 2 -1 -3 2, देखना जरा कौन सा मैच कर रहा है, 1 by 4 टाइम्स ऑफ 2 2 -1 -3, सी मैच कर गया हमारा। कंसिडर द फॉलोइंग, ए यूनियन बी इंटरसेक्ट, यार इसमें ना कुछ लोग तो प्रॉपर्टी याद करने उठे हैं, तो मैं तो कहता नहीं कि प्रॉपर्टी तुम याद करो, एक काम करो इसमें ना फटाफट एक वेन डायग्राम बनाओ, ये ए लिखा, ये बी लिखा, ये सी लिखा, इसमें कुछ एंट्री कर लो 1 2 ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ये कह रहा है बी इंटरसेक्शन सी, देखो बी ये सी है, बी इंटरसेक्शन सी में कौन कौन सा आएगा, ई और एफ आएगा, ई और एफ के साथ ए का यूनियन लिख दो, तो ये क्या जाएगा ए बी डी ई एफ, देखो बी इंटरसेक्शन सी में क्या था, ये आ रहा था और ए का यूनियन लिख दो, तो ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब जरा राइट हैंड साइड देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या रहा है बी ई, ठीक है, यूनियन चाहिए ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी में कितना आएगा डी और ई, तो डी ये आएगा, क्या दोनों बराबर है, नहीं बराबर है, तो पहला तो गलत हो गया, ठीक है। अब आ जाते दूसरे वाले पे, बी यूनियन सी, देखो बी यूनियन सी के साथ ए का इंटरसेक्शन चाहिए, बी यूनियन सी में तो ये भी आएगा है ना, तो बी यूनियन सी और ए का इंटरसेक्शन, तो इसमें क्या जाएगा बी ई और डी आ जाएगा, बी ई और डी, ठीक है, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, ए यूनियन बी यानी कि ये वाला भी और ये वाला भी साथ में, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो ए यूनियन बी में क्या आ गया हमारे पास ए बी सी डी ई एफ, ए यूनियन बी में ए बी सी डी ई एफ ये आ गया, और इसका इंटरसेक्शन चाहिए किसके साथ, ए यूनियन सी के साथ, देखो ए बी डी ई एफ जी, इन दोनों में इंटरसेक्शन देख लो, ए दोनों में आ रहा है, बी दोनों में आ रहा है, ई दोनों में है, बस सी इधर नहीं है, डी ये डी था, ठीक है डी भी आएगा, ठीक है एक डी आ गया, तो इसमें क्या आ रहा है हमारे पास ए बी डी ई, क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो दोनों में से कोई भी इक्वल नहीं।